सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y27 डिवाइस के अंदर आपने फोन की लैंग्वेज को चेंज कैसे करेंगे। अगर आप यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करके यूज करें फोन को, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से और हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो इजीली अपने फोन को हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। अभी चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं फोन की लैंग्वेज को कैसे बदलना है हमें अपने फोन के अंदर। गाइस, फोन की लैंग्वेज को चेंज करना काफी आसान है। आप यहां पर आइए अपने फोन सेटिंग्स के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करा है। इसमें एक सर्च बार का आइकन है, सीधा आप सर्च और भी कर सकते हैं लैंग्वेजेस एंड इनपुट लिखकर, या फिर आपको मैनुअल करना है तो आप सेटिंग्स को ओपन करिए। ये सभी वीवो के ऑलमोस्ट सभी जितने भी न्यू वर्जन के डिवाइस आ रहे हैं सब में आपको सेम सेटिंग्स मिलती है। स्क्रॉल करके नीचे आना, इसमें लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स का, जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास आ चुका है, इसको प्रेस करना एंड सिस्टम सेटिंग के अंदर आएंगे। थर्ड वाला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड इनपुट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसको आप एक बार प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे तो कंट्री के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को चूज करेंगे जो भी करना है, या फिर जो भी लैंग्वेज आती है आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज पे क्लिक करना है, हमने 3 लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है, तो इन तीनों में से मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। बट अभी देखो हम ऐड करना सिखाते हैं, इसमें एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड करते एडिट लैंग्वेज भी क्लिक करना है। अब एज अ डेमो हम कोई एक लैंग्वेज चूज करेंगे, मराठी है अभी भारत का ये लैंग्वेज है, नेपाली अभी भारत ही बता रहा था, नेपाली ऐड कर लेते हैं क्योंकि इंडिया में भी आता है। तो अब देखो यहाँ पर ये नेपाली इंडिया का ही कंट्री है, इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा, तो आप नेपाली को भी चूज कर सकते हो, जो भी आपको कंट्री के अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है या फिर कह सकते हो आता है उसको आप यहाँ पर ऐड करिए। इसके बाद चेंज करना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, जो कंट्री के लैंग्वेज नहीं आता उसको मत ऐड कर लेना है, बाई चांस अगर आप कट कर देते हो फोन को तो लैंग्वेज सेटिंग्स पर जाना काफी मुश्किल हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर मैं नेपाली को इसे लॉन्ग प्रेस करना है एंड इस तरह से ड्रैग करके ऊपर लाना है। जैसे आप ऊपर करेंगे ये लैंग्वेज टोटली चेंज हो चुका है। अब अगर देखो यहाँ पर बैक आ जाता हूँ मैं, अभी मैं यहीं पर रहूंगा क्योंकि ये नेपाली लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये भाषा लैंग्वेज कहाँ पर है। बट अगर कोई आपने चाइनीज लैंग्वेज को सेट कर दिया तो अगर बैक आ गए गलती से तो आपको अगर सेटिंग्स नहीं पता कैसे कैसे करनी है तो क्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस पर क्लिक करना और हमें इंग्लिश वापस करना है या फिर हिंदी करना है तो आप जस्ट प्रेस करेंगे ऊपर तो लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। लॉन्ग प्रेस करिए, ड्रैग करिए ऊपर, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। सो ऐसे ही लैंग्वेज चेंज करना काफी आसान है, आप जाके नो डाउट इजीली कर सकते हो फोन की लैंग्वेज को चेंज। आई होप कि समझ गए होंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप में कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।